टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाथ गाड़ी पे सामग्री बेचने वाले शख्स को बस ने टक्कर मार दी। हाथ गाड़ी के साथ साथ हाथ गाड़ी मालिक जमीन पे गिर गया। हादसा काफी भयानक है। हाथ गाड़ी मालिक को इसका अंदाजा नहीं हुआ कि हाथ गाड़ी यानी ठेला गाड़ी बस से टकरा जाएगी। ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर है भिवंडी शहर के बंजरपट्टी नाका इलाके की। बस अपने रूट से जा रही थी और इस बीच रॉन्ग साइड से जा रहे हाथ गाड़ी को लेकर शख्स की किस तरह टक्कर हुई, इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रही है। बस की टक्कर में हाथ गाड़ी के प्रकच्छे उड़ गए और हाथ गाड़ी मालिक को गंभीर चोटें आई है। और दूसरी घटना यूपी से। नए साल का तीसरा दिन पहली घटना उत्तर प्रदेश के लिए मनु साबित हुआ। यूपी के मुरादनगर में रविवार को एक शमशान घाट पर छत ढह जाने से 25 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और तभी शमशान घाट की छत ढह गई। 2 महीना पहले छत का निर्माण किया गया था। बारिश के चलते मुरादनगर में शमशान घाट की छत ढह गई और इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने NH 58 पर रोड को जाम कर दिया है। ये मात्र 1-1.5 महीने पहले ही कंस्ट्रक्शन हुआ था और पिलर जमीन में ना खोद के जमीन से ऊपर ही पिलर रख रखे हैं। भ्रष्टाचार की बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर रखी है। ये जो बनाया था ये बल्लियों पर खड़ा करा गया, जो चीज पिलर पे खड़ी होनी थी। अभी हम 1 महीने पहले आए थे तब भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये चीज ऐसे नहीं बननी थी, बल्लियों पे खड़ी कर दी। परिवार वालों ने रोड पर शव को रखकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 25 लोगों की मौत के बाद अपने आप में साल के शुरुआती दिनों में मुरादनगर में काल बन गया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।